फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। तो डाउटनेट में भौतिक विज्ञान में हम पढ़ रहे थे अभी तक क्लास 12वीं के चैप्टर्स। अब से हम क्लास 11th के चैप्टर्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो क्लास 11th में सबसे पहला चैप्टर मात्रक और मापन है ना, काफी आसान काफी छोटा चैप्टर होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर पढ़ने से हमें और थोड़ा सा टाइम मिलने लग जाएगा, है ना। जैसा अभी हमने क्लास 12th के काफी बड़े और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, अब हम काफी आसान और काफी छोटा चैप्टर पढ़ रहे हैं, मात्रक और मापन, क्लास 11th का पहला चैप्टर। देखो बेटा, इस चैप्टर से नीट में हर साल 1 से 2 सवाल आते हैं और वो सवाल बहुत ही आसान और बहुत ही छोटे सवाल होते हैं जिनको आप बहुत ज्यादा आसानी से हल कर पाओगे, क्लियर है। तो इसी प्रकार के सवालों के साथ हम क्लास को शुरुआत करेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम जो नीट के प्रीवियस ईयर सवाल है उन्हें बहुत आसानी से बना लेंगे। तो बेटा क्लास शुरू करते हैं, मात्रक और मापन, आज लेक्चर नंबर 1। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि भौतिक राशियां क्या होती है और फिर हम देखेंगे मात्रक क्या होता है। फिर आने वाली क्लासेस में इसी चैप्टर में हम विमाओं के बारे में जानेंगे, विमीय विश्लेषण देखेंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग देखेंगे, और उसके बाद में हम सार्थक अंक और त्रुटियां देखेंगे, है ना। ये हर एक टॉपिक जो है बेटा ये अब मतलब काफी आसान चैप्टर है और हर एक टॉपिक को एक दूसरे से कोई ज्यादा लेना देना भी नहीं है। और उसके अलावा इसमें हर एक टॉपिक जैसे सार्थक अंक, विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग, त्रुटियां, है ना, और यहाँ पे त्रुटियों की गणना, इन सब से एक एक सवाल आने की प्रोबेबिलिटी होती है और हर साल नीट में एक सवाल पक्का आता ही आता है। फिर उसके बाद में हम आखिरी में चल के अल्पत मांग के बारे में करेंगे, या हम आगे चलकर जो मापक यंत्र है हमारे, मापन यंत्र है, उनके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। उसमें हम देखेंगे कि स्क्रूगेज क्या होता है और वर्नियर कैलिपर क्या होता है। तो ये सब हम चैप्टर में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम केवल इतना पढ़ेंगे भौतिक राशियां क्या होती है और मात्रक क्या होते हैं, ठीक है। चलो तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम थोड़ा सा फिर से फिजिक्स का फील लेना शुरू करते हैं। तो बेटा देखो, वास्तव में क्या है, हमने जैसे हमने क्लास 12th के भी कुछ चैप्टर्स पढ़े, है ना, अब क्लास 11th के भी बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। तो वास्तविकता क्या है हमारे आसपास हमारे जीवन में, कि जो भी भौतिक घटना हो रही है, जो भी भौतिक घटना हो रही है, भौतिक घटना क्या होती है, जैसे वो सुबह सूरज का उगना, वो शाम को सूरज का ढलना, वो कलकल बहता हुआ पानी, या वो इंद्रधनुष का बनना, वो बारिश का गिरना, वो तुम्हारे घर में स्विच दबाते ही एक बल्ब का जलना, या स्विच बंद करते ही वो पंखे का बंद हो जाना, ये सब क्या है, है ना, थोड़ा शायरी होगी, ये सब क्या है, ये सब एक तरीके से भौतिक घटनाएं हैं बेटा। इसके अलावा भी बहुत सारी भौतिक घटनाएं, जैसे वो तारों का टिमटिमाना, सुबह और शाम के समय जो आकाश है उसका रंग नीले की जगह लाल और पीला हो जाना, और इसी प्रकार से हम और भी बहुत सारी भौतिक घटनाएं अपने जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। तो क्या होता है बेटा, फिजिक्स क्या है वास्तव में। फिजिक्स में हमने जैसे क्लास 12th में भी पढ़ा थोड़ा बहुत और क्लास 11th में भी पढ़ने वाले हैं कि फिजिक्स बेसिकली इन सभी भौतिक घटनाओं के बारे में हम जो स्टडी करते हैं, या ये भौतिक घटनाएं कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, और इनका क्या प्रभाव है हमारे जीवन पर, या इनका दूसरी भौतिक घटनाओं पर क्या प्रभाव है, यह सब कुछ हम जानते हैं। तो बेटा यही सब कुछ हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में बेटा सबसे पहले हमने ये समझा कि सर वास्तव में भौतिक घटनाएं क्या है। जैसे अगर हम पुराना जो फिजिक्स हमने क्लास 12th का पढ़ा उसके एग्जाम्पल ले, अगर एक संधारित्र आवेशित हो रहा है तो ये भी एक भौतिक घटना है, या इसके अलावा हमने देखा कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ये भी एक भौतिक घटना है। विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण, विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण अगर एक प्रतिरोध है तो उस प्रतिरोध में ऊष्मा बन रही है ना, या ऊष्मा या शक्ति आ रही है, तो यह सब कुछ क्या है, यह भी सारी एक भौतिक घटनाएं। तो हमें समझ में आया कि हमारे आसपास बहुत सारी भौतिक घटनाएं हो रही है। अब चक्कर यह है कि पढ़ना यह सब कुछ है फिजिक्स में, यह सारी भौतिक घटनाएं फिजिक्स में पढ़ना तो है भाई, लेकिन सर अगर एक भौतिक घटना हो रही है तो उस भौतिक घटना को हम कैसे मापे, या हम कैसे देखें कि कौन सी भौतिक घटना ज्यादा है या
वही भौतिक घटना अगर दूसरी परिस्थितियों में हो रही है तो वो कम है या पहले वाली भौतिक घटना से ज्यादा है। जैसे इसका एक बहुत आसान उदाहरण से हम शुरुआत करते हैं, मान के चलो यहां पर एक मैंने लाइन खींची, इसमें एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, क्या ये भी कोई भौतिक घटना है? सर हाँ बिल्कुल, वास्तविकता वाली बात यही है कि अगर मान के चलो इस पथ पर अगर एक व्यक्ति चल रहा है तो वो चला 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 वो चलकर यहां पहुंचा, ये चला 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 है ना, मान के चलो ये चिंटू है और ये मुन्नी है, तो चिंटू और मुन्नी दोनों चले, तो ये इनका चलना एक तरीके से क्या हो गया भैया, भौतिक घटना हो गई। चिंटू और मुन्नी का चलना जो है वो क्या है, भौतिक घटना हो गई। तो इस भौतिक घटना में कौन ज्यादा चला है ना, या यह किसके लिए ज्यादा है, वह हम कैसे पता करेंगे? तो यह हम सर हमें साफ दिख रहा है कि यह दूरी की बात चल रही है या लंबाई की बात चल रही है। तो बेटा देखो, अगर आप अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हो, आप चलकर वहां पहुंचे, मुन्नी चल के पहुंचे, चिंटू चल के पहुंचा, तो यह क्या एक तरह की भौतिक घटना होगी, लेकिन कितना चले ये कैसे माप लिया? या इसी के साथ साथ जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, तो मेरा बोलना ये एक भौतिक घटना है, लेकिन लेकिन इसको माप पाना कैसे मापोगे? तो अगर मैं जोर से बोल रहा हूं, मैं धीरे से बोल रहा हूं, तो ये सब कैसे मापेंगे हम? तो वास्तव में बेटा जो भी भौतिक घटना हो रही है ना, जो भी भौतिक घटना हो रही है ना, इसको हम किसी ना किसी तरीके से मापेंगे या इसको मेजर करेंगे ना, कौन ज्यादा है कौन कम है, तो उसको हम एक भौतिक राशि से मापते हैं। किससे मापते हैं? भौतिक राशि से। तो बेटा हम आसानी से ये बात समझ सकते हैं कि चिंटू और मुन्नी चल रहे थे तो इनके द्वारा तय की गई दूरी, मतलब ये क्या हो गई, एक भौतिक घटना हो गई, और भौतिक घटना को मापने के लिए हम क्या लेकर आए, भौतिक राशि, भौतिक राशि। ये छोटी सी बात चमकती है सभी को, भौतिक घटना और भौतिक राशि। इसी प्रकार से अच्छा सर क्या सभी आप जैसे ये बोल रहे हो ये सारी घटनाएं भौतिक घटना है तो इनको मापा जा सकता है? हाँ बिल्कुल मापा जा सकता है, दूरी को माप सकते हैं। दूरी क्या होगी या लंबाई क्या होगी, एक भौतिक राशि हो गई बेटा, है ना, लंबाई क्या है, एक भौतिक राशि है। तो इसको मापा मैंने, इसको मैंने मापा, तो इसको मापने के लिए, इस घटना को मापने के लिए मैं लेकर आया भौतिक राशि लेकर आया। जैसे मैं जो बोल रहा हूं तो जो मेरी ध्वनि है उसकी तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता ये क्या होगी, एक भौतिक राशि होगी। इसी के हिसाब से अगर मान के चलो कभी है ना, यहां पर हमने जैसे पिछली क्लास पीछे के चैप्टर में भी देखा था कि अगर एक प्रतिरोध में से धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं या आवेश बह रहा है, तो आवेश के बहने की दर है ना, कितना आवेश बहा, ज्यादा आवेश कम आवेश, ये सब किससे देखेंगे हम, एक भौतिक राशि, जिसका नाम हमने बोला था विद्युत धारा। तो विद्युत धारा भी क्या होगी, एक भौतिक राशि। इसी प्रकार से बेटा हमने यह देखा था कि सर वह जब किसी प्रतिरोध में से गुजरेगी तो प्रतिरोध में शक्ति उत्पन्न होगी, शक्ति या ऊष्मा, ये बताने के लिए, जैसे शक्ति अगर मान के चलो कि यह मेरे पास लाइट है यहां पर है ना, तो ये बल्ब है, ये कोई बल्ब ज्यादा उजाला दे रहा है, कोई बल्ब कम उजाला दे रहा है, तो ये उजाला या जो भौतिक घटना है इसको मापने के लिए हम क्या लेकर आए, एक भौतिक राशि, जिसको हमने बोला शक्ति। तो हमारे आसपास जो भी भौतिक घटनाएं हो रही है उनको मापने के लिए हम भौतिक राशि लेकर आते हैं, जिससे हम उस भौतिक घटना का मापन कर पाए। अच्छा सर मेरे दिल में प्यार है ना, तो ये भी क्या एक भौतिक राशि है? सर मेरा बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लगता है, मुझे बहुत गुस्सा आती है, क्या ये भी एक भौतिक राशि है? नहीं, जो भावनाएं हैं हमारी है ना, उसको थोड़ी ना माप सकते हो यार, है ना, बताओ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, मैं तुमसे बहुत सारा प्यार करता हूँ, नहीं मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हो, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर ला सकता हूँ। मूर्खता भरी बात है, मूर्ख बालक ही है, अरे ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो फिर सर कैसे माप के बताए? नहीं माप सकते हो कि कितना प्यार करते हैं, ठीक है, वो तो जब समस्या की घड़ी आएगी तभी पता चलेगा, लेकिन फिर समस्या को भी माप नहीं सकते कि कौन समस्या बड़ी है कौन सी समस्या छोटी है,
है ना, मेरे को लगता है कि मेरे को एक ग्लास पानी नहीं मिल रहा, कोई मुझे पानी ला के नहीं दे रहा, मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या हो रही है। लेकिन लोगों को अपने गांव से 10-10 किलोमीटर सर पे एक मटका भरकर पानी लाना पड़ रहा है केवल पानी पीने के लिए, तो वो उनके लिए वो समस्या है। ठीक है, मेरे सामने पानी रखा लेकिन मेरे हाथ में आ जाइए, तो ये मेरे लिए समस्या होती है, इसको माप थोड़ी ना सकते। तो जो भी भावनाएं हैं, मन की भावनाएं, दिल की भावनाएं है ना, इन ये भौतिक राशि में नहीं जाएगी, इनको हम भौतिक राशि नहीं बोल सकते क्योंकि इनको माप ही नहीं पाएंगे हम। ठीक है, ऐसा कोई मीटर थोड़ी ना बना है ना, ऐसा कोई तराजू थोड़ी ना है कि ये पता चल जाए कि कौन किससे कितना प्यार करता है, या ये सर ये मेरा दोस्त नहीं है मुझे इससे गुस्सा आती है, ये भी मेरा दोस्त नहीं मुझे इस पर गुस्सा आती है, ये भी मेरा दोस्त नहीं ये भी मुझसे गुस्सा आती है, लेकिन ये मेरा दोस्त है, तो ये इन तीनों में से किस पे ज्यादा गुस्सा आती है? सर इससे अभी अभी मेरा झगड़ा हुआ है, इससे ज्यादा गुस्सा आती है मुझे, लेकिन फिर कल वो मुझे दुखी कर देगा, फिर उस पे ज्यादा गुस्सा आ जाएगी, है ना। सर मम्मी ने आज मुझे डांट दिया, पापा ने मुझे डांट दिया, तो मम्मी पापा ने मुझे डांट दिया तो आज तो मैं गुस्सा हूं, लेकिन फिर कल ही मम्मी तुम्हें पनीर की सब्जी बना के खिला देगी, खुश हो जाओगी। ठीक है, कल ही पापा जब ऑफिस से आएंगे तो कुछ बढ़िया सा गिफ्ट ले आएंगे तुम्हारे लिए, खुश हो जाओगे। या तुमने किसी चीज की जिद्दी करी, तुम्हें मिल गई वो चीज, है ना, खुश हो जाओगे। तो ये क्या है भैया, ये खुशी गम है ना, खुशी गम या क्रोध प्यार, ये थोड़ी ना माप सकते हो। ठीक है, मेरे दिल में बहुत प्यार है, बताओ कितना है, तो ये वो भौतिक राशियां नहीं होंगी। चाहो तो कॉपी में लिख लो ना, ये भावनाएं है ना, जो हमारे दिल की भावनाएं होती है, मन की भावनाएं होती है, वो भौतिक राशि में नहीं आएंगी, वो भौतिक घटनाएं है, लेकिन उनकी भौतिक राशि नहीं हम परिभाषित कर सकते। देखो, वे सभी राशि जो भौतिकी के नियमों की व्याख्या करने के लिए प्रयोग में ली जाती है, भौतिक राशियां कहलाती है ना। जैसे अभी हमने बोला आपको कि लंबाई ना, तो जैसे दूरी मापनी है, कितना चले है ना, कितना चले, तो ये दूरी मापनी है, तो ये जो दूरी है ये क्या हो गई, भौतिक राशि हो गई, या इसको हम लंबाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं चल रहा हूं तो कितना तेज चल रहा हूं, कितना तेज या कितना धीरे, तेज या धीरे है ना, तो ये तेज या धीरे ये भी क्या हो गया भैया, तेज या धीरे ये क्या होगा, ये मैं मापूंगा चाल से। तो चाल एक भौतिक राशि हो गई जो मुझे ये बताता है कि मैं कितना तेज या कितना धीरे चल रहा हूं, है ना। मैं धक्का लगा रहा हूं, धक्का लगाना, कितना धक्का लगाओगे, बहुत जोर से है ना, मेरे को चाटा मारा, बहुत जोर से मारा, ये आदमी बहुत भारी है, ये आदमी बहुत हल्का है, इसे मैं फूंक मार के उड़ा दूंगा, ये तो चींटी है ना, ये मच्छर इसे मैंने पकड़ के गए मार, तो ये सब क्या हो रहा है भैया, वो बहुत हल्के है, है ना। अब मैंने बोला एक इंसान को ऐसा पकड़ के उठा ले, नहीं उठा है ना, मतलब यह धक्का लगाना, या मान के चलो हमने किसी चीज पे बल लगाया ना, तो किसी चीज को बल लगाया मतलब धक्का लगाया, तो ये क्या था, बल जो है यह मेरे लिए एक भौतिक राशि। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी भौतिक राशि हमने पढ़ भी ली है और हम अब पढ़ेंगे भी, है ना। जैसे विद्युत धारा, धारा कितनी जा रही है, मतलब ये आवेश कितना जा रहा है, वो विद्युत धारा में मापा है ना। फिर उसके बाद में ऊर्जा के बारे में समझा, तो ये सब क्या है बेटा, यह सब मेरे लिए ऊर्जा शक्ति, ऊर्जा शक्ति, और क्या पढ़ा यार हमने बताओ, है ना। हाँ सर, हमने तो बहुत खतरनाक विद्युतशीलता, हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, विद्युतशीलता है ना। और इसके अलावा और क्या पढ़ा हमने सर, इसके अलावा हमने और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी सर, जैसे धारिता है ना, तो ये धारिता, प्रतिरोधकता, जो हम पढ़ चुके हैं वो लिख देते हैं थोड़ा बहुत, तो ये सब क्या, ये सब भौतिक राशियां है यार, है ना, जो अलग अलग चीजों का मापन करके दे रही है आपको। क्लियर है कहानी, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट सी कहानी, इंपॉर्टेंट सी चर्चा। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम, है ना। तो हमने ये समझ लिया भौतिक राशि क्या होती है, ठीक, इसका फील अब हमें आ गया।
अब हम यहाँ पर भौतिक राशियों में यह समझते हैं, है ना, इसमें अगर एक आधी और परिभाषा समझते हैं और दूसरे तरीके से बातें करते हैं और भौतिक राशियों को हम वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं वो समझेंगे। इतना तो समझ में आ गया सर कि हाँ भौतिक राशि बहुत ज्यादा जरूरी है। भौतिक राशि नहीं होती तो हम यही नहीं माप पाते कि जो भौतिक घटना हो रही है वो कैसी हो रही है। तो राशि जिसे मापा जा सकता है तथा जिसके द्वारा विभिन्न भौतिक घटनाओं को नियमों के रूप में मापा जा सके, है ना। आप प्यार मोहब्बत को नहीं माप सकते हो आप, ठीक है, गुस्से को नहीं माप सकते हो, क्रोध को नहीं मापा जा सकता, ठीक है। तो ये आलस्य को नहीं मापा जा सकता, सर माप सकता हूं मैं, बहुत ही ज्यादा आनंद आता है मुझे सोने में तो मैं बहुत ज्यादा आलसी। लेकिन हो सकता है कि जिसको आनंद आता है सोने में लेकिन जब वो काम करता तो बहुत ज्यादा मेहनत से काम करता है इसलिए उसको सोने में बड़ा आनंद आता है, मेहनत। ठीक है, गुस्से को नहीं माप सकते हो, क्रोध को नहीं मापा जा सकता, ठीक है। तो ये आलस्य को नहीं मापा जा सकता, सर माप सकता हूँ मैं, बहुत ही ज्यादा आनंद आता है मुझे सोने में तो मैं बहुत ज्यादा आलसी। लेकिन हो सकता है कि जिसको आनंद आता है सोने में लेकिन जब वो काम करता तो बहुत ज्यादा मेहनत से काम करता है इसलिए उसको सोने में बड़ा आनंद आता है, मेहनत करता है दिन भर थक जाता है फिर इसलिए सोने में आनंद आता है, तो क्या वो आलसी हो गया? नहीं, तो इसको मापा नहीं जा सकता, है ना। कभी कभार हमारा मन नहीं करता कुछ करने का तो हम सोए पड़े हुए, कभी कभार हमारा मन करता नहीं अब तो आज तो बहुत ज्यादा पढ़ना है, आज तो सर ने बोल दिया नीट निकाल के रहना है कमांडोज, तो आज बहुत ज्यादा पढ़। तो ये सब क्या है, इनको मापा थोड़ी नहीं जा सकता है कि आज सर मेरा मन ऐसा है मन वैसा है, तो ये नहीं माप सकते। जिन्हें मापा जा सकता है और जिनके द्वारा विभिन्न भौतिक घटनाओं को नियमों के रूप में समझाया जा सकता है, भौतिक घटनाओं को नियमों के रूप में समझाया जा सकता है, कहने का मतलब क्या है कि जैसे बल, तो बल के लिए हमने गुरुत्वाकर्षण के नियम देखेंगे या इसके पहले कूलम का नियम देख लिया, तो ये अलग अलग नियमों में उन भौतिक घटनाओं को हम समझा रहे हैं और व्यक्त किया जा सकता है, इसे हम भौतिक राशि कहते हैं, ठीक है। फिर उदाहरण के लिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल आदि यह सब क्या है, भौतिक राशियां है, ठीक है। आराम से छोटा सा चैप्टर, थ्योरेटिकल सा चैप्टर और इस पे विभिन्न सवाल भी हम करें। देखो बेटा, अब हम भौतिक राशियों के प्रकार देखते हैं, है ना, भौतिक राशियों के प्रकार देखते हैं। सबसे पहली बात, दिशात्मक गुणधर्म पर किस प्रकार से हम भौतिक राशियों को विभाजित कर सकते हैं। दिशात्मक मतलब क्या होता है बेटा, मतलब दिशा है या नहीं, उसके आधार पर दो प्रकार की भौतिक राशियां बोली जा सकती। सबसे पहले अदिश राशि, अदिश राशि या स्केलर इसे कहते हैं, वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं, अदिश राशियां कहलाती है ना। से उदाहरण के लिए द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, समय, है ना, इनको व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे ये थोड़ी ना बताना पड़ता है कि मेरे हाथ में 2 किलो वजन है उत्तर दिशा में, इसका कोई महत्व नहीं है। उत्तर 2 किलो तुम्हारे हाथ में है तो उतना ही भारी लगेगा, तुम उत्तर में हो, दक्षिण में हो या पूरब में हो, पश्चिम में हो। घनत्व, घनत्व के लिए भी फिर से, है ना, पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, कहां ऐसा थोड़ी ना कोई पूछता है, हमेशा उतना ही होता है। आयतन, समय, है ना, तो समय की भी दिशा नहीं होती। इसके अलावा जैसे हमने जो पढ़ रखी है जैसे आवेश, है ना, ये सब क्या है, आवेश धारा, विद्युत धारा, है ना, ये सब कैसी है भैया, यह सब जैसे अभी हमने शक्ति के बारे में पढ़ा, शक्ति, और उसके अलावा क्या पढ़ा था, ऊर्जा, है ना, ये सब क्या, ये सब अदिश राशियां है, इनको व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। हम ऐसा तो नहीं बताते कि सर यहाँ पे एसी धारा जा रही है, एसी धारा आ रही है,
है ना, तो यहाँ पर धारा का कोण कितना बना, ये सब ऐसा हम ऐसे तो ना बनाते कि सर ये तार है तो ये तार में धारा इधर आ रही है, तार में धारा इधर जा रही है, तार में धारा इधर जा रही है, तो आई वन प्लस आई टू बराबर आई होगा इस कंडीशन में भी। और ये आई वन अगर मैं इधर से तार लेकर आऊं, है ना, ये आई वन है, ये आई टू है, ये आई बनेगा, तो ये इस कंडीशन में भी वही होगा जो उस कंडीशन में था, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अगर ऐसा भी होता आई वन और ये एक तार ऐसा, तो ये आई वन या आई टू तो भी आई वन प्लस आई टू बराबर आई ही होता, इसको कोण से लेना देना नहीं है, दिशा से लेना देना नहीं, ठीक है। ये आगे चलकर जब हम भौतिक ये मतलब सदिश पढ़ेंगे तब तो मैं आपको एक और डिफरेंस बताऊंगा, है ना, कि अभी वैसे बता रहा हूँ, इसको हम एलोबरेट या इसके बारे में गणितज्ञ रूप से आगे चलकर पढ़ेंगे ना। क्या डिफरेंस होता है एक और बेटा, कि जो सदिश राशियां होती है ना और अदिश राशियां, सदिश राशियां या वेक्टर्स वे है जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होती है, तथा जो दिशा के बीज सदिश के बीज गणित के सभी नियमों का पालन करती है वह सदिश राशियां होती है ना। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। देखो अब हम समझते हैं, है ना, कि ये क्या है और मैं ऊपर क्या बता रहा था। देखो बीज गणित, ये दिशा के सदिश के बीज गणित के नियम, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो हमने चिंटू को बोला कि चिंटू भैया जाओ हमने तुम्हें दिए 10 रुपए, 10 रुपए, तो चिंटू ने बोला ओहो 10 रुपए मिले मुझे, मैं मुन्नी के लिए डेरी मिल्क लेकर आऊंगा, डेरी मिल्क लेकर आए, तो मुन्नी के लिए डेरी मिल्क लेने पहुंचे चिंटू भैया, तो मुन्नी के लिए डेरी मिल्क चिंटू भैया लेने पहुंचे और चिंटू भैया खड़े हुए एक चौराहे पर। अब चिंटू भैया ने एक व्यक्ति से पूछा कि भैया डेरी मिल्क की दुकान कहाँ है, तो उसने बोला कि यहां से 500 मीटर आधा किलोमीटर दूर है। चिंटू भैया ने जैसे ही सुना आधा किलोमीटर दूर दुकान है, चिंटू भैया दौड़ गए, ये यहां पर पहुंचे आधा किलोमीटर दूर, है ना, 500 मीटर दूर चिंटू भैया पहुंचे। अब चिंटू भैया ने सोचा भैया डेरी मिल्क मिल जाएगी आज तो मुन्नी खुश हो जाएगी, लेकिन लेकिन यहां पर जब ये आधा किलोमीटर पहुंचे तो वहां कोई डेरी मिल्क की दुकान नहीं मिली। क्यों? उन्होंने ये तो बोल पूछा कि कहाँ है, सामने वाला बता रहा था कि आधा किलोमीटर जाना है, वो बताता उससे पहले भाग जाए, चिंटू भैया भाग गए। क्यों? क्योंकि चिंटू भैया ने पूछा कि परिमाण कहाँ है ना, चिंटू भैया ने दिशा नहीं पूछी, चिंटू भैया ने दिशा नहीं पूछी। तो अब चिंटू भैया यहाँ पूछे, फिर एक और रामलाल मिला, उसने पूछा भैया कहाँ है डेरी मिल्क की दुकान, तो उसने बोला यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, तो 1 किलोमीटर दूर है, तो चिंटू भैया ने बोला 1 किलोमीटर, तो उसको लगा कि पीछे वाले ने मूर्ख बना दिया, फिर वो भी बताने ही वाला था, उतने में चिंटू भैया और आगे 1 किलोमीटर भाग गए। वास्तव में डेरी मिल्क दुकान यहां पर थी, यहां से 500 मीटर की दूरी पर थी। तो अब चिंटू भैया कहां है भैया, पहले तो यहां पहुंचे तो डेरी मिल्क की दुकान से 1 किलोमीटर दूर हो गया, फिर 1 किलोमीटर दूर यहां वाले भी ने सही तो बोला कि भैया 1 किलोमीटर दूर दुकान है, सुन तो ले, वो भाग गया, वो 1 किलोमीटर आगे भाग गया। तो अब वो 500 और 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर दूर चले गए डेरी मिल्क दुकान से, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर और दूर चले गए, तो डेरी मिल्क दुकान से 2 किलोमीटर दूर हो गए। फिर उन्हें सोचा, है ना, उन्हें मिली एक लस्सी की दुकान, न बोझा भैया अब हम ही लस्सी पीकर घर चले जाते हैं, डेरी मिल्क तो मिल नहीं रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिशा नहीं पूछी। तो बेटा कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती है, जो भौतिक घटनाएं ऐसी होती है जिनके लिए दिशा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। वो बच्चे देखे ना तुमने धमाल, है ना, उसमें वो W के नीचे खजाना ढूंढते हैं, गोवा में जाके सेंट सेबेस्टियन गार्डन में 2 पेड़ W के आकार में थे, तो उसके नीचे जाके खजाना ढूंढना था। अब उन्हें ये ही नहीं पता था कि खजाना है 500 मीटर नीचे, या चलो 500 मीटर ज्यादा हो गया, खजाना है 50 मीटर नीचे जमीन के, लेकिन 50 मीटर कहाँ है इस W के नीचे, यहाँ 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 कहीं भी खजाना हो सकता है, तो जो 50 मीटर यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है, 500 मीटर नीचे भी हो सकता है, 500 मीटर इधर 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 कहीं भी खजाना हो सकता है, ठीक है। तो इन्हें तो नहीं हो बोला कुछ भी, है ना। और फिर उसके बाद में चिंटू के लिए भी हम बहुत दुखी हुए। क्यों? इन दोनों की क्या गलतियां थी, इन लोगों की ये गलतियां थी कि इन्होंने परिमाण तो देखा लेकिन दिशा नहीं देखी, परिमाण तो देखा लेकिन दिशा नहीं देखी। तो वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा भी देखना हो हमें बेटा, उन्हें हम क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं।
और ये भौतिक राशियां बीजगणित के नियम का पालन करती है। मतलब क्या हुआ कि देखो यहां पर अगर अगर मैं तुमसे पूछूं या तुमसे बोलूं कि मान के चलो तुम चले 3 किलोमीटर, फिर चले 4 किलोमीटर, तुम चले 3 किलोमीटर और फिर तुम चले 4 किलोमीटर, कितना चले? सर हम चले 7 किलोमीटर। नहीं, तुम चले 4 किलोमीटर फिर तुम 3 किलोमीटर इधर चले तो कितना चले? सर हम चले 7 किलोमीटर। लेकिन तुम अगर मैं तुमसे पूछूं कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर हो तो तुम बोलोगे सर अब 1 किलोमीटर दूर है और इस कंडीशन में 7 किलोमीटर दूर है। मतलब ये क्या हुआ, दूरी जो हुई वो एक सदिश राशि थी। इसको दिशा से मतलब नहीं, इसको ये देखना है कि चला कितना, लेकिन जो विस्थापन हुआ उसको ये भी पता है चल करना पड़ेगा कि किस दिशा में तुम गए, 4 गए 3 आए तो कितना हुए, कितना दूर हुए, 1 किलोमीटर। हो सकता था ऐसा कि तुम 4 किलोमीटर जाए 3 किलोमीटर तो जाए, तो अब कितनी दूर हो तुम? सर हमें पाइथागोरस का प्रमेय आता है, हम 5 किलोमीटर दूर है प्रारंभिक बिंदु से। तो इसमें दिशा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये क्या है, ये जो वास्तव में मैंने इनको जोड़ दिया, इसे घटा दिया, यहाँ 5 कर दिया, तो 7 और 1 के बीच में कोई भी आंसर आ सकता था। वो निर्भर करता कि मैं 3 किलोमीटर कहाँ चला और 4 किलोमीटर कितने कोण पर चला। तो ये कितने कोण पर चला वही होता है बीज गणित, ना सदिश बीज गणित, जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। क्लियर है? चलो तो ये हल्का फुल्का सा सर, मैं हल्का फुल्का सा बहुत ज्यादा फील दिखा दिया आपने कि यह हम दिशात्मक रूप से कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं या कैसे हम वर्गीकरण कर सकते हैं भौतिक राशियों का। अब देखते हैं हम निर्भरता के आधार पर, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात। निर्भरता के आधार पर मतलब कि क्या एक भौतिक राशि किसी दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर कर रही है या नहीं कर रही है, ये सब हमारे ठीक है। तो निर्भरता के आधार पर बेटा हम सबसे पहले भौतिक राशि बोलते हैं वो होती है मूल या आधार, या इसे हम मूलभूत भी कह देते हैं, मूल या आधार, या इसे हम मूलभूत भी कहते हैं। मूलभूत राशि है ना, ये वे राशियां हैं, मूलभूत राशियां, ये वे राशियां हैं जो भौतिक रूप से किसी दूसरी राशि पर आधारित नहीं है। वे भौतिक राशियां जो अपनी पूर्ण परिभाषा के लिए अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, अर्थात जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, वे मूल या आधार राशियां या मूलभूत राशियां कहलाती है। ठीक है बेटा, है ना, ये वे राशियां हैं जिन्हें आपको परिभाषित करने के लिए कोई दूसरी राशि की कतई आवश्यकता नहीं, है ना, ये अपने आप में ही मस्त है, अपने आप में सही है, इनका इनके जीवन में किसी पर कोई निर्भरता नहीं है। ठीक है, ये अपने आप में सेटिस्फाई, आत्मनिर्भर है ना, आत्मनिर्भर भारत मोदी जी वाला, तो ये वैसे ही आत्मनिर्भर है, इनको किसी से दूसरे से मतलब नहीं है। आत्मनिर्भर मतलब यही होता है कि हम हमारा देख लेंगे, तुम तुम्हारा देख लो भैया, तुमसे अकेले से बन जाए तो ठीक है, हमसे तो अकेले से बन जाएगा। तो ये अकेले ही खुद की परिभाषा है या खुद ही अपने आप को परिभाषित करते हैं। इनकी परिभाषा जो होती है वो थोड़ी जटिल होती है, आप चाहो तो किसी किताब वगैरह हमसे पढ़ सकते हो, लेकिन वो हमारे किसी काम की नहीं। ठीक है, तो हमें यह समझना है कि ऐसी कौन सी भौतिक राशियां हैं जो मूलभूत राशियां हैं, है ना, इसको एक टेबल के रूप में हम पढ़ेंगे। वैसे अभी के लिए बता देता हूं, 7 भौतिक राशियां होती है जो मूलभूत राशियां होती है। कितनी होती है भैया? 7 मूलभूत राशियां होती है, 7 मूलभूत राशियां होती है। अच्छा सर, ये 7 ही क्यों है, 8 क्यों नहीं है, 6 क्यों नहीं है, है ना, ये सब मुझसे मत पूछो, ये मैंने नहीं बनाई है, ये पूरी दुनिया के साइंटिस्ट लोग बैठे, उन लोगों ने निर्णय निकाला, उन लोगों का निष्कर्ष था कि ये वो भौतिक राशियां है, 7 भौतिक राशियां जिनको आपको परिभाषित करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये मुझसे मत पूछो, ये 7 होती है, ये दुनिया को पता है, आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, 7 कौन कौन सी होती है, एक बार मैं ऐसे ही बता देता हूं, द्रव्यमान, लंबाई, समय, 3 होगी, फिर उसके बाद में तापमान, मुझे उम्मीद है तुम्हें भी पता होगा, तापमान, पदार्थ की मात्रा,
फिर उसके बाद में विद्युत धारा और उसके पदार्थ की धारा, पदार्थ की मात्रा मतलब मोल, मोल है ना, उसके बाद विद्युत धारा हम पढ़ क्या है, और एक और होती है बेटा लुमिनस इंटेंसिटी या प्रदीपन तीव्रता। इसके बारे में हमें कभी नहीं पढ़ना होगा जीवन में। ये क्या होती है वास्तव में कि तारों से जो रोशनी आ रही है वो कितनी आ रही है ये देखने के लिए। क्लियर? तो ये सात मूलभूत आधार राशियां होती है। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा जो हमारे पास अगली भौतिक राशि होती है जो कि इन सात के अलावा, देखो अब इस दुनिया में तो सर हजारों भौतिक राशियां है, बिल्कुल भैया बहुत सारी, हजारों भौतिक राशियां है, बहुत सारी भौतिक राशियां है। तो अब वे भौतिक राशियां जो इन सात के अलावा सब कुछ है, इन सात को छोड़ के जो भी भौतिक राशि तुम्हारे दिमाग में आ सकती है, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ सकता है उसे लेकर आ जाओ, है ना। और वो सब क्या कहलाएगी, वो व्यक्तपन्न, ये आधा न और आधा न लिखा हुआ है, त्र नहीं लिखा है यह। एक दिन एक बच्चा मुझे बोलता सर इसे व्यक्तपन्न क्या बोल रहे, ये तो व्यक्त व्यक्त प्रत हो गई। आधा न और आधा न लिखा हुआ व्यक्तपन्न राशियां है ना। तो ये होती है डिराइव्ड, डिराइव्ड मतलब कि जो इनसे हमने पाई है, इनका उपयोग करके लाए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इनको छोड़कर जो भी सब कुछ होगी हमारे पास वो इन्हीं राशियों में आएगी। तो क्या होंगी बेटा, वे भौतिक राशियां जिनको मूलभूत राशियों से, राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्तपन्न राशियां कहलाती है। उदाहरण के लिए कुछ भी मान लो यार, तुम कक्षा 11वीं पढ़ ली है पूरे, दसवीं तो पढ़ी, बारहवीं के थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा दिया है, तो जो भी भौतिक राशियां हम पढ़ रहे थे वो भौतिक राशियां, देखो याद है तुम्हें जब मैंने आवेश को परिभाषित किया था तो मैंने तुम्हें बोला था कि आवेश मूलभूत राशि नहीं है, धारा मूलभूत राशि, ठीक है। तो धारा एक मूलभूत राशि होती है, विद्युत धारा एक मूलभूत राशि है, तो विद्युत धारा से हम आवेश को परिभाषित करते हैं, ये पढ़ा था हमने। तो मैंने आपको बोला था कि अभी के लिए भले ही ये परिभाषा है लेकिन ये वास्तविक परिभाषा नहीं है धारा की, है ना। क्यों? क्योंकि धारा तो मूलभूत राशि है, उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं लेकिन इसकी वास्तविक परिभाषा नहीं है ना, उसको निकाल तो सकते हैं इस फॉर्मूले से। अरे यार देखो, ऐसा चाल और चाल बराबर दूरी बटा समय है, तो मैं तो लिख दिया दूरी बराबर हो गया, दूरी बराबर हो गया चाल गुणा समय। तो सर ये देखो जो दूरी है वो तो चाल पर निर्भर कर रही है। अरे अत्यधिक मूर्खता भरी बात है, ये जो दूरी वो चाल पर निर्भर थोड़ी ना कर रही है। तो अगर तुझे चाल दी हो, समय दिया हो, तो दूरी निकालने का सूत्र है एक, बस क्लियर है कहानी, है ना। ऐसे तो बहुत सारे हजारों सूत्र बना लूं मैं, लेकिन वास्तविक क्या है, चाल जो है, परिभाषा क्या थी, चाल जो है वो दूरी और समय पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो वैसे ही यहां पर जो धारा है वो मूलभूत राशि है, जो आवेश है वो व्यक्तपन्न राशि। तो ये जो मूलभूत राशियों से हम निकालते हैं या उनको व्यक्त कर सकते हैं मूलभूत राशियों के पदों में, उन राशियों को हम व्यक्तपन्न राशियां कहते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हम, और अब हम चर्चा करते हैं एक और नई इंपॉर्टेंट सी बात की, मात्रक। अब ये मात्रक क्या है, मात्रक क्या है, देखो ध्यान सुनना मेरी बात को और समझ, क्या होता है बेटा कि अगर मान के चलो मैंने एक भौतिक राशि को परिभाषित कर ली, मैंने बताया अच्छा लंबाई, लंबाई एक भौतिक राशि होगी। अरे अभी हमने पढ़ा ना कि जैसे मान के चलो चिंटू और मुन्नी की कहानी, चिंटू चला इतना, मुन्नी चली इतना, तो यहाँ पर चिंटू चला ज्यादा और मुन्नी चली कम, तो सर आपने बोला कि ये कम ज्यादा, तो मतलब ये किससे पता चला आपको, दूरी, ये दूरी क्या होगी, एक भौतिक राशि होगी, है ना। दूरी या लंबाई जो होगी वो एक भौतिक राशि होगी, तो ये दूरी या लंबाई जो है ये एक भौतिक राशि है। तो अब यहां पर ये दूरी या लंबाई एक भौतिक राशि होगी, लेकिन लेकिन कितना लंबा चली या कितनी दूर चली, इस बात की गंभीरता को समझो, है ना। तुम्हें तुम्हें अगर किसी ने धक्का लगाया तो कितना लगाया, है ना। एक मोटा व्यक्ति है तो बहुत जोर से धक्का लगाएगा, सर पतलू बहुत कम धक्का लगाएगा, तो ये कितना धक्का लगाया यह कैसे मेजर करें, है ना। तो ये दूरी से कितनी ज्यादा कितनी कम, या इसके अलावा भी जो भी हम भौतिक राशि पढ़ रहे थे, है ना, तो कितना तेज चल रहा है कितना धीरे चल रहा है वो हम चाल से बता रहे हैं, है ना। कितना तेज चल रहा है कितना धीरे चल रहा है वो हम चाल से बता रहे थे, लेकिन साथ ही साथ अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना तेज चल रहा है कितना धीरे चल रहा है, चाल से तो है,
चलो चाल है, जो तो किसी की चाल ज्यादा है किसी की चाल कम है, लेकिन कितनी ज्यादा कितनी कम। कितनी ज्यादा कितनी कम ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा हर भौतिक राशि के मात्रक से, ठीक है ना। पहली बात तो हम क्या दिखाएंगे, पहली बात तो उसका एक परिमाण होगा सर, है ना। देखो दो चीजें होगी, अब भौतिक राशि, अगर मेरे को एक भौतिक राशि को चिन्हित करना है या मुझे बताना है कि हाँ भैया इतना हो गया, तो इस भौतिक राशि को मैं दो तरीके से बोल सकता हूँ या दो चीजें बोलना पड़ेगी ना। जैसे अगर मुझे किसी भी भौतिक राशि की गणना करनी है, मुझे बताना है दूरी कितनी है, कितना जोर से मारा, कितने लपड़ खाए, तो ये सब कैसे बताओगे? हम हर एक भौतिक राशि में दो चीजें बोलते हैं, एक होता है उसका परिमाण, परिमाण परिमाण मतलब हो गया है संख्या, परिमाण मतलब क्या हो गया संख्या, मतलब 10 मीटर 50 मीटर। तो देख दो चीजें बोल रहा हूं मैं साथ में, 10 और मीटर, तो एक परिमाण हो गया और एक हो गई उस, एक हो गया उसका मात्रक, ठीक है। तो हर एक भौतिक राशि को चाहे वो स्केलर हो या वेक्टर हो, सदिश हो या दिश हो, ये दो तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर वो भौतिक राशि, अगर वो भौतिक राशि वेक्टर हो गई या सदिश हो गई ना, ये सदिश अदिश दोनों के लिए है, मतलब परिमाण और मात्रक तो बताना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो भौतिक राशि सदिश हो गई तो सदिश के लिए हम परिमाण भी बताएंगे। देखो उसमें परिमाण और मात्रक तो एक साथ आएंगे ही आएंगे, परिमाण प्लस मात्रक तो आपको बताना ही पड़ेगा उसके लिए, और साथ ही साथ उसने को नई चीज सीखी थी हमने दिशा, तो ये तो हम बताएंगे ही बताएंगे, मात्रक और दिशा। ठीक है, ये बात चमकती है भैया सभी को। तो यहां पर हम भौतिक राशि को, अगर कोई भी भौतिक राशि है, तो उसके लिए हमको परिमाण और मात्रक तो बताना ही पड़ेगा। तो परिमाण के अंतर समझ में आता है सर, 10 15 20 50 25, ये मात्रक जगह है, इसी के ऊपर हम चर्चा शुरू कर रहे हैं, ठीक है। मात्रक क्या होता है बेटा? किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। बहुत डिफिकल्ट, मापन का ऐसा मानक आधार जिसके गुणज के रूप में किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है वह उसका मात्रक कहलाता है। दो परिभाषा है, दोनों एक ही चीज कहना चाह रही है, फिर से हम समझते हैं। मापन का ऐसा मानक आधार जिसके गुणज के रूप में, गुणज के रूप में मतलब कि मल्टीप्लिकेशन, गुणा के रूप में, है ना। मतलब क्या हो गया यहाँ पर है ना। अच्छा एक सेकंड थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे मेरे को मल्टीप्लाई लगाना चाहिए, गलत नहीं है, ज्यादा बेहतर है। देखो तो परिमाण, और एक तो परिमाण हमने सीख लिया, और इसके गुणज के रूप में जो एक और इकाई लेकर आओगे आप, है ना, मापन की इकाई लेकर आओगे, मापन की इकाई मतलब क्या होगा, मापन करने के लिए आप जो यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, या मापन करने के लिए आप यहां पर जो मात्रक इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, यहां पर क्या आएगा, एक मात्रक आएगा जिसे हम इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। क्लियर है कहानी? तो सर एक तो आसान सी बात है, तो तुच्छ बात हो गई हमारे लिए, है ना। जैसे दूरी चली तो ये चुन्नू मुन्नू, है ना, चिंटू और मुन्नी यहां पर चले, तो ये चले 5 मीटर। तो देखो मैंने इसकी जो दूरी है उसको कैसे चिन्हित किया, 5, एक परिमाण और एक मात्रक, है ना। तो परिमाण और मात्रक दो, है ना, परिमाण और मात्रक, परिमाण को ऐसे हम एन से चिन्हित करेंगे और मात्रक क्या है, यूनिट है, तो यू से चिन्हित करेंगे। मात्रक मतलब क्या होता है, यूनिट होता है। तो ये एन और यू दो चीजें, एन इंटू यू ही मिलकर एक भौतिक राशि को चिन्हित करेगी, है ना। एन और यू दो चीजें होंगी जो भौतिक राशि को बताएगी कि कितना ज्यादा है कितना कम है। जैसे इसकी दूरी हो गई, मान के चलो ये मुन्नी तो बहुत ज्यादा चली, ये चली 10 मीटर, तो ये क्या हो गया 10 × मीटर, ये क्या हो गया हमारे लिए, एक भौतिक राशि होगी उसका मात्रक मीटर हो गया, और 10 उसके लिए संख्या या परिमाण। तो ऐसे हमने जितनी भी भौतिक राशियां पढ़ी आज तक करते ही क्या आया, जैसे 50 न्यूटन बल आया, 10 न्यूटन बल आया, 1000 न्यूटन बल आया, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब मात्रक और परिमाण दोनों चीजें। या इसके अलावा जैसे सर आपने सब भयंकर हमें चीज सिखाई थी, एक के का मान बताया था आपने,
है ना, इसको हमने बोला था 9 × 10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का वर्ग, या विद्युतशीलता निरपेक्ष विद्युतशीलता 8.85 × 10^-12 कूलम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बेटा ये क्या है, ये एक संख्या है और ये उसका मात्रक कहलाएगा। ठीक है, तो किसी भी भौतिक राशि को अगर हमें बताना होगा तो दो चीजें चाहिए, एक नंबर चाहिए और एक मात्रक चाहिए। क्लियर है छोटी सी बात। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं और अब हम इसमें और भी इंपॉर्टेंट बात समझते हैं कि अगर किसी भी भौतिक राशि में राशि के मापन या मूल मात्रक का चयन करते समय, है ना, चयन करते समय मतलब क्या, देखो चयन करते समय मतलब क्या, क्या मैं कभी भी सर किसी भी चीज को मात्रक मान सकता हूं क्या? जैसे मीटर को मात्रक क्यों माना, सेंटीमीटर को मात्रक क्यों माना, केजी को, न्यूटन को, ऐसा इनने क्या किया इनको मात्रक मान लिया, तो इनने क्या किया या इनमें क्या स्पेशलिटी है, क्या गुण है, है ना, वो सब हम यहां पर देख रहे हैं। इन्हें हम मात्रक के गुण भी कह सकते हैं, कि अगर एक मात्रक है तो वो मात्रक क्यों है, उसके गुणधर्म क्या है या उसके गुण क्या है। जैसे अगर आपको पता हो तो हम मीटर को मात्रक मानते हैं, है ना, लेकिन ऐसे कभी कभार हम घर में करते हैं ना कि अब हमारे पास स्केल स्केल नहीं है, है ना, तो अब हमने क्या सोचा कि यार यहां से यहां तक दूरी मापनी है, तो हम ऐसा कर लें, काम करो सर यहां से दूरी मापनी है, आपको पाथ पता करना है आपका बोर्ड कितना बड़ा है, तो ऐसा कर लो ये एक हाथ, ये एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ, चार हाथ, पांच हाथ, छह हाथ, सात हाथ और थोड़ा सा ज्यादा 7.5 हाथ का मेरा बोर्ड है। ये कोई ये 7.5 तो अच्छा लगा, लेकिन 7.5 हाथ क्या होता है, ठीक है, या इसके पहले जब हम क्रिकेट विकेट खेलने जाते थे सर तो हम पांव से नापते थे कितना बड़ा पिच रखना है, तो एक आदमी आएगा, एक दोस्त आएगा, बोलेगा मैं है ना 20 कदम का पिच रख लूंगा, 1, 2, 3, 4 तो पिच छोटा हो गया, तो अरे यार तूने बहुत छोटे छोटे कदम करे, बड़ा बड़ा करे 1, 2, 3, अरे तो ये कोई मापने की सही चीज थोड़ी ना, ठीक है, ये माप रहे हैं हम, कोई बात नहीं, भौतिक राशि को माप लिया, दूरी नाप ली, लेकिन ये इसका सही तरीका नहीं, हमने एक संख्या तो बताई लेकिन उसके साथ ही साथ हमने जो मल्टीप्लाई में किया वो बहुत ही गंदी चीज थी, मतलब हमने जो मात्रक लिया उसका वो बिल्कुल भी भौतिक रूप से सही नहीं था। तो अगर एक मात्रक को हमें परिभाषित करना है, उसके गुणधर्म देखना है, तो क्या क्या होने चाहिए, सबसे पहले उसको परिभाषित होना चाहिए, उसे सरलता से परिभाषित किया जा सके, है ना, सरलता से परिभाषित किया जा सके, कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर कितना होता है, तो सर हमारे पास अब स्केल है, 1 मीटर इतना बड़ा होता है, है ना, 1 सेकंड कितना होता है, 1 सेकंड सर समय बीत गया 1 सेकंड, तो ये हम बड़ी आसानी से, है ना, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, ये बड़ी आसानी से हम कैलकुलेट कर लेते हैं और बड़ी आसानी से इन्हें परिभाषित करते हैं, ठीक है, तो ये सुपरिभाषित है। फिर ये अपरिवर्तनीय है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मानक उसका मान भाई ताप दाब समय आदि से परिवर्तित ना हो, ऐसा थोड़ा होता है कि आज मेरे घर में बहुत ठंड पड़ रही है तो 1 मीटर इतना होगा, आज मेरी यहाँ बहुत गर्मी है तो 1 मीटर इतना होगा, ऐसा नहीं होता, 1 मीटर 1 मीटर है, गर्मी हो, ठंड हो, बारिश हो, कुछ भी हो, 1 मीटर 1 मीटर है ना, ऐसा थोड़ी ना होता है, रात हो गई है घड़ी धीरे चल जाए तो मजा आ जाए, है ना, ये कल सुबह कल दोपहर हो जाए और सुबह की 6 बजाए सर सोते ही रहूं मैं तो दोपहर तक, ऐसा थोड़ी ना होती है ना, वो तो उसके हिसाब से चलेगी, तो उसको किसी भी दूसरी चीजों से मतलब नहीं है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हम हैंड स्पैन मान रहे थे हाथ, है ना, तो ये पंजे के बराबर 1 पंजा 2 पंजा 3 पंजा, ये तो क्या, ये मेरा हाथ है ना, तुम तुम्हारे हाथ से नापोगे तुम तो 10 पंजे नाप दोगे, यहाँ पे छोटे छोटे सात छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर तुम 10 माप दोगे, ठीक है, तो ये परिवर्तीय होगा, लेकिन जैसे मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर ये अपरिवर्तीय होते हैं, वह सुलभ हो, है ना, फिर उसके साथ ही साथ वह पुनः उत्पादकता, है ना, मतलब कि क्या हो, उसके प्रतिरूप अन्य स्थानों पर आसानी से बनाया जा सके, है ना, जैसे कि 1 मीटर स्केल बनाना, तो 1 मीटर स्केल बनाना और स्केल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, हम बना सकते हैं आसानी से, 1 किलो 1 किलो का बाट होता है, बहुत सारे 1 किलो के बाट हम बना सकते हैं, तो उसे हम पुनः उत्पादित कर सकते हैं, फिर वह प्रयोग में आसान हो, है ना, मतलब कि उसे हम आसानी से नाप सके या हम आसानी से उसकी बातें कर सकते, उसको आसानी से प्रयोग में ले पाए।
तो ये सब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गुण होते हैं किसी भी एक भौतिक राशि के लिए। क्लियर है कहानी बेटा? चलो, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट था, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम यह समझते हैं कि हमने सर मात्रक देख लिया, मात्रक किन किन बातों पर आधारित होता है ये देख लिया, भौतिक राशि देख ली, भौतिक राशि के प्रकार देख लिए। तो क्या ऐसे मात्रक के भी प्रकार है? बिल्कुल, है ना। और उसके अलावा मात्रक से जुड़ी क्या इंपॉर्टेंट बातें हमें पता होनी चाहिए, वो सब कुछ हम देखना शुरू करते हैं। देखो बेटा, आप इधर। हाँ तो बेटा, अब हम देखते हैं कि मात्रक का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं ना, मतलब मात्रक को हम कैसे कैसे भिन्न भिन्न प्रकार से बता सकते हैं। देखो यार, ये कंपैरेटिवली बहुत आसान सी बात है। मात्रक क्या है? किसी भौतिक राशि को परिभाषित कर रहे हैं, तो जितनी प्रकार की भौतिक राशियां होगी उतने प्रकार के मात्रक भी हो जाएंगे उनके, ठीक है। इसके अलावा हम मात्रक के एक दो और वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर मान के चलो एक भौतिक राशि है, वो मूलभूत भौतिक राशि है, तो सबसे पहले प्रकार का मात्रक क्या, मात्रक का वर्गीकरण क्या कर सकता हूं मैं? मूलभूत या आधारभूत मात्रक, जिसे अभी हम पढ़ते आ रहे थे, है ना, जिसे हम इंग्लिश में फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं। फंडामेंटली कहते हैं, वैसे बेसिकली तो हर जगह फंडामेंटल ही पाओगे। क्लियर है? इसी प्रकार से बेटा, अगर मान के चलो मेरे पास एक पहली भौतिक राशि थी, सॉरी पहली भौतिक राशि का प्रकार था फंडामेंटल, उसके बाद में या मूलभूत, उसके बाद में व्यक्तुपन्न पड़ा मैंने, तो जो भी व्यक्तुपन्न राशि होगी उनका जो मात्रक होगा व्यक्तुपन्न मात्रक कहलाएगा। आसान सी बात। इसके अलावा एक और भौतिक राशि होती है ना, जिसको हमने वहां परिभाषित या उसका अलग से वर्गीकरण नहीं करा, उसके मात्रक का वर्गीकरण अलग से जरूर करेंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं पूरक मात्रक। और फिर आखिरी में एक प्रकार का मात्रक पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं प्रायोगिक मात्रक, है ना। प्रायोगिक मात्रक क्या, तो ऐसे हम आसानी से समझ लेंगे। ये दोनों हमें ऑलरेडी समझ में आते हैं, इस पर हमें थोड़ा सा और विचार करना होगा। तो चलो बेटा, सबसे पहले समझते हैं हम मूलभूत या आधारभूत भौतिक राशियां क्या होती है, है ना। तो भौतिक राशियां हम ऑलरेडी सर समझ चुके हैं कि आपने बताया सात प्रकार की मूलभूत भौतिक राशियां होगी, या ये वो राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं कर रही, तो इनके मात्रक भी किसी पर निर्भर नहीं करेंगे। तो यहां पर मूलभूत भौतिक राशियों के या मूल राशियों के मात्रक, मूलभूत मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये ऐसा ही पद्धति आप, मुझे पता है आप लोगों को मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत बताया था इसके बारे में जब मैंने आपको पिछला चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, जब हमने स्टार्टिंग के पहले दो चैप्टर पढ़े थे इसके बारे में आपको बताया था, लेकिन अभी हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही पद्धति क्या होती है ना, अलग अलग प्रकार की पद्धतियां होती है, सीजीएस पद्धति होती है, एसआई पद्धति होती है, एमकेएस होती है, ठीक है, उसको बस हम इसके बाद में पढ़ने वाले हैं। एसआई आप ऐसा समझ सकते हो, ये स्टैंडर्ड है, मतलब इस दुनिया में सारे साइंटिस्ट फिर से बैठे, जिन साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर ये सात भौतिक राशियां बोली थी, इन्हें मूलभूत बनाओ, तो इन्होंने ही इनके सात ऐसे मात्रक देखे जो वास्तविकता में किसी दूसरी पर निर्भर नहीं करते और हर जगह आसानी से पाए जा सकते और सब उसे माने, और उसके बाद में जो भी हम फॉर्मूले में उपयोग करें इन भौतिक राशियों का, तो उनके जो मात्रक है वो हमेशा सटीक बैठे। तो सात भौतिक राशियां, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, प्रदीपन तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो इनके जो बेटा एसआई मात्रक होते हैं, जैसे लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड, इसी प्रकार से तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन, इसे चिन्हित करेंगे के से, विद्युत धारा का एम्पियर एसी, प्रदीपन तीव्रता बस याद रखो कैंडला होता है सीडी से चिन्हित करते हैं, वैसे इसका हमें ज्यादा उपयोग नहीं है, है ना। फिर पदार्थ की मात्रा, ज्यादा क्या कोई उपयोग नहीं है पदार्थ की मात्रा, इसे हम मोल से चिन्हित करेंगे और इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है ना, उसको मोल या MOL से बताया जाता है, जो केमिस्ट्री में आप यूज करना शुरू कर चुके हैं। क्लियर है बेटा? चलो, तो इसमें देखो मैंने आपको पता ही दिया विद्युत धारा क्या होती है, तापमान आपको थोड़ा बहुत समझता ही है, आने वाले समय में हम देख ही लेंगे तापमान क्या, मतलब कितना गर्म और कितना ठंडा, और लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये तो तीन भौतिक राशियां जो हम देखो, ये इसमें से ये तीन भौतिक राशियां लंबाई, द्रव्यमान और समय हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते ही करते हैं, है ना, और तापमान भी बहुत बार इस्तेमाल करते ही करते हैं, लेकिन ये वो तीन भौतिक राशियां जो रोज आप कहीं ना कहीं यूज करते ही करते हो। जैसे समय, कितने बज रहे हैं सर? 12 बज रहे हैं, तो यहां पर समय
है ना, तुम कितनी देर में आओगे, एक घंटे में आएंगे, तो एक घंटा भले ही इसकी एसआई यूनिट ना हो, अब ऐसा तो नहीं बोलते कि मैं 3600 सेकंड बाद आऊंगा, ऐसा नहीं बोलेंगे, एक घंटा ये क्या हो गया, प्रायोगिक मात्रक हो गया, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ द्रव्यमान, द्रव्यमान सब्जी वगैरह खरीदने जाते हैं या कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो कितने किलो चाहिए भैया, है ना, कितने किलो चावल चाहिए, कितने किलो शक्कर चाहिए, और उसके हमने लंबाई, है ना, कितनी दूर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ना घर के बाहर निकलोगे तो ये सब भौतिक राशि है, या घर में भी रहोगे तो भौतिक राशियों का इस्तेमाल होगा ही होगा। तो ये रोजमर्रा की जिंदगी में हम भौतिक राशियों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सातों के सातों हमारी मूलभूत राशियां कहलाती है। इसके अलावा व्यक्तपन मात्रक क्या होंगे भैया, ये व्यक्तपन मात्रक क्या होंगे, ये व्यक्तपन राशि से, है ना, जो व्यक्तपन राशियां हैं उनके जो मात्रक होंगे वो व्यक्तपन मात्रक कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ, राशियों के मात्रक या वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त किया जाता है वो व्यक्तपन मात्रक कहलाएंगे, है ना। ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें व्यक्तपन्ना नहीं होता है ना, व्यक्तपन्न होता है। देखो जैसे चाल व्यक्तपन्न राशि है तो इसके लिए होता है मीटर पर सेकेंड, है ना, या इसके अलावा त्वरण, इसके लिए होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इनके अगर आपको मात्रक निकालने हो, है ना, व्यक्तपन्न के मात्रक निकालने हो, ऐसे बहुत सारे कर सकते हैं यार हम, बल, तो बल होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जिसको हमने न्यूटन नाम दे दिया, लेकिन वास्तविकता क्या है भैया, वास्तविकता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दाब, दाब क्या होता है, केजी, केजी बटा मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पास्कल। ये सर आप कैसे निकाल रहे हो सारे, क्योंकि बेटा इनके फॉर्मूले मुझे आते हैं, फॉर्मूले आते हैं या सूत्र आते हैं, या आसान शब्द में कहूं तो मुझे पता है कि ये भौतिक राशियां मूलभूत राशियों पर कैसे निर्भर करती है। जैसे चाल की निर्भरता होती है दूरी बटा समय या लंबाई बटा समय, ठीक है, वैसे ही त्वरण का होता है वेग बटा समय या वेग बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय होता है वैसे तो, है ना, लेकिन हमें अभी के लिए वेग बटा समय से काम चला लेंगे, है ना। और ये क्या होता है, ये होता है बल जो होता है, F बराबर MA होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो द्रव्यमान गुणा त्वरण का मात्रक बन गया। इसी प्रकार से ये होता है बल बटा क्षेत्रफल, प्रेशर या दाब होता है। संवेग, आवेग, बलागुण, ऐसे बहुत सारी भौतिक राशियां हैं जिनके हम मात्रक व्यक्तपन्न कर सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं इन्हें मूलभूत राशियों के टर्म्स में। क्लियर है बेटा, तो ये बिल्कुल आसान सी दो बातें। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इसमें यह देखते हैं कि पूरक मात्रक क्या होते हैं, है ना। देखो पूरक मात्रक क्या, इसे हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं, है ना। और अगर इसी में अगर मैं देखो जो राशियां उन्हें मैंने मूलभूत बोला था, व्यक्तपन्न बोला था, उसके आगे चाहो तो आप एक और प्रकार की राशि लिख सकते हो जिसे हम पूरक राशियां कहते हैं, पूरक राशियां, ठीक है। वैसे ये किताबों में अलग से लिखी नहीं जाती, इसलिए मैंने भी नहीं लिखी, बाकी यह पूरक राशि क्या होती है एनसीईआरटी में भी नहीं अलग से डिफाइंड है, लेकिन उसके मात्रक जरूर बोले हैं। तो यहां पर पूरक मात्रक होते हैं इसके, या हम इसे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या है बेटा, जो ना तो मूलभूत में जगह बना पाई अपनी, है ना, इनका जीवन बड़ा ही बेबस लाचार जीवन था, ये मूलभूत में अपनी बात तो नहीं बना पाई, मूलभूत तो नहीं हो पाई, मूलभूत भी नहीं हो पाई, और यह किसी पर निर्भर भी नहीं कर रही। कोण मापने के लिए आपको कुछ भी नहीं पता होना चाहिए, कोण मापने के लिए तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि दो दो रेखाओं के मध्य, है ना, घूर्णन कितना हुआ है, तो सर ये तो निर्भर भी नहीं कर रही, ये मूलभूत होना चाहिए लेकिन मूलभूत में रखा भी नहीं। तो ऐसा ही पद्धति में दो पूर्वक मात्रक परिभाषित किए गए है, ना। इसे हमने बोला समतल के लिए कोण, तो ये कोण जो होंगे पूरक राशिया क्या है, कोण है भैया, तो दो कोण होते हैं, एक समतल के लिए होता है जो हम पढ़ चुके हैं, समतल के लिए कोण होता है, और एक कोण होता है जो कि ठोस के लिए होता है, ना, ठोस के लिए कोण, तो ठोस के लिए कोण, ना, तो इसको अब हम कैसे मेजर करते हैं यह समझना है। तो हमें यह बात तो चमकी सर कि अगर मुझे एक तल में, ये हम ऑलरेडी बेसिक मैथ्स में पूरा पढ़ चुके हैं कि अगर एक तल में मुझे
कोण मापना है। तो अगर ये एक मीटर त्रिज्या है इसमें और इसकी जो चाप है अगर वो भी एक मीटर हो गई, तो यहां पर ये जो कोण होता है इसे मैं एक रेडियन कहता हूं, है ना। और हमने आपको बताया था बेटा जो कोण होता है वो क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। तो इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी एक छोटा सा रिवीजन हमने कर लिया कि यहां पर सर चाप बटा त्रिज्या या जो हम कोण अभी तक पढ़ते आ रहे थे वही कोण समतल कोण कहलाता है। और याद रखना है हमें कि इसका एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है, है ना, जिसे हमने आरएडी से भी चिन्हित किया था, ये इसका मात्रक होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर ये तो समतल में कोण के बारे में हो गया जिसकी परिभाषा होगी, एक रेडियन वह कोण है जो त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया जाता है, है ना। तो त्रिज्या के बराबर चाप मतलब त्रिज्या एक मीटर, चाप भी एक मीटर की हो गई, तो ये केंद्र पर जो कोण बना उस कोण का मान एक रेडियन कहते हैं। अब है कहानी बढ़िया सी जिसमें हम दूसरी बात समझ रहे बेटा कि स्टे रेडियन क्या होता है, ध्यान समझना, है ना। ये है एक स्टे रेडियन, तो देखो स्टे रेडियन या ठोस में कोण कैसे बनता है, हमने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स, है ना, हमने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स, वहीं से सॉलिड कोण की कहानी भी शुरू हो गई थी, है ना। देखो मान के चलो एक आवेश है, एक आवेश है, तुम्हें जो पता उसी से मैं समझा रहा हूं, वरना तुम ग्यारहवीं वाले होते या वो नहीं पढ़ा होते तो अलग तरीके से समझाते, लेकिन तुम्हें इससे बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मान के चल यहां पे एक आवेश है, इस आवेश से निकला विद्युत धारा, सॉरी इस आवेश से निकली विद्युत बल रेखाएं, तो क्या निकली, हर दिशाओं में निकलेंगे सर, इधर 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 चारों दिशाओं में, यह चारों दिशा एक पूरे गोले में, ठीक है। तो अगर मुझे इसका कोण मापना है, जैसे मान के चलो मैंने बोला कि यह एक वृत्त है, ये ठोस है, गोला है, इसके केंद्र पर भरी, अरे यार बोर्ड पे मैं तुम्हें कैसे बना के बताऊं, बोर्ड पे मैं कैसे बना के बताऊं तुम्हें एक गोला, है ना, एक गोला तो गोला ही लेगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें ठोस बताना चाहता हूं तो कैसे बनाऊंगा, ये ऐसे ही बना के बताऊंगा फिर से, लेकिन अभी इसमें हम थोड़ी सी चालबाजी करेंगे फील दिलाने के लिए। तो देखो बेटा यहां से बल रेखा हर जगह निकल रही थी, तो यहां पर मैंने सोचा कि यार इतनी जगह में कितनी बल रेखाएं पहुंचेंगी, तो यहां पर सर ये जो एरिया है ना, ये एक क्षेत्रफल होगा जिस क्षेत्रफल पर सारी बल रेखाएं पहुंची, तो कितनी बल रेखाएं पहुंची, है ना, वह निकालने के लिए हमको क्या पता होना पड़ेगा, यहां का कोण भी पता कर सकते हैं। तो ये कोण वास्तविकता में एक ठोस का कोण होता है, कैसा कोण होता है, ठोस का कोण होता है ना, जिसे हम स्टे रेडियन से चिन्हित करते हैं। तो देखो इसको और फील करते हैं हम इस एनिमेशन से, यहां पर देखो ये क्या है, ये कोण बढ़ता जा रहा है, तो यहां पर बल रेखा है जो पहुंच रही वो बढ़ेंगी बढ़ेंगे 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 ये, और फिर कम होते जाएंगे। तो ये देखो बेटा सामने ऊपर क्या आएगा, है ना, जैसे यहां पर पीछे जाते हैं, यहां तक जाते सामने एक लंबाई आई, चाप आई, तो इसलिए समतल बोला इसे। यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो कोण है, है ना, इसमें ये कोण तो कुछ होगा, इसको हम थीटा से नहीं, अब ये ओमेगा से चिन्हित करेंगे, और सामने कुछ एरिया बनेगा, क्या बनेगा, सामने कुछ एरिया बनेगा। तो यहां पर इसे परिभाषित हम करेंगे, ये जो कोण होगा बेटा ये होगा सामने वाला एरिया, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, जैसे चाप लिखा था सामने वाली, यहां पे लिखना पड़ेगा सामने वाला क्षेत्रफल, बटे में त्रिज्या का वर्ग, या ऐसे हम लिख सकते हैं ए बटा आर स्क्वायर, है ना, या डीए लिख देता हूं, ये स्मॉल कोण के लिए बात करें, छोटू सा कोण यहां पर बनाओ, एक छोटू सा कोण मैंने यहां पर बना दिया आपको डी ओमेगा, तो यहां पर जो एरिया आएगा वो डी एरिया आ जाएगा बटे में आर स्क्वायर, क्लियर है कहानी। तो इस हिसाब से हम स्टे रेडियन की बातें समझ सकते हो, इस हिसाब से हम मात्रक को वर्गीकरण कर पाए। अगले वर्गीकरण पर बढ़ते हैं, है ना, अभी हमने क्या पढ़ लिया, अभी हमने तीन प्रकार के पढ़ लिए, अब लास्ट पढ़ता है जिसको हम बोलते हैं प्रायोगिक मात्रक। चलो बेटा अब देखते हैं प्रायोगिक मात्रक क्या होता है।
तो देखो बेटा, ये अब हमें समझ में आया कि सर कोण या ठोस कोण क्या होता है ना वास्तविकता में। अगर मेरे को प्लेन में या एक तल में मापना है तो ज्यादा आसान सी बात है, मैं तल में आसानी से माप पाया। लेकिन अगर मुझे ठोस मापना है ना, ठोस कोण मापना है, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इस एनिमेशन से भी हम समझ सकते हैं कि एक जो एक डिग्री है, सॉरी एक रेडियंट है, वो कितना हो रहा है ना। यहाँ पर अगर त्रिज्या के बराबर चाप हो गई तो यह चीज हमारे पास एक रेडियंट कहलाएगी। चलो बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम चर्चा कर रहे थे सॉलिड पर, ये हो चुका है हमारा, है ना। अब हम प्रायोगिक मात्रक पे बातें करना शुरू करते हैं। प्रायोगिक मात्रक क्या होते हैं? प्रायोगिक मात्रक मतलब कुछ ऐसे मात्रक है बेटा जो हम बोलचाल में, है ना, दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं, जो एसआई में नहीं है और जिनका हम फिजिक्स में या जब हम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे तो उसमें उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, उनमें उपयोग नहीं होता है। तो ये वाले जो मात्रक होते हैं, इस प्रकार के जो मात्रक होते हैं बेटा, ये मात्रक प्रायोगिक मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रायोगिक मात्रक। जैसे अगर मैं बात करूं तो दिनचर्या की भाषा में अगर मैं लंबाई की बात कर रहा हूं तो लंबाई के लिए मीटर सेंटीमीटर तो ठीक है ना, लेकिन इसके अलावा इंच, फीट, ठीक है, ये सब हम लंबाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये बताओ मुझे कि यह इंच क्या कोई बढ़िया मात्रक है? मतलब सॉरी, इंच क्या कोई ऐसा ही मात्रक है? नहीं सर, नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से फीट या फुट जो है वो भी हम दिनचर्या की भाषा में यूज करते हैं। इसके अलावा लंबाई को लेकर बेटा और भी बहुत सारी मात्रक होते हैं। जैसे ध्यान सुनना, अगर मुझे बहुत लंबी, बहुत दूरी मापनी है ना, बहुत ज्यादा दूरी मापनी है, जैसे अगर मुझे ये मापना है कि एक साल में लाइट कितनी दूरी चलती है, तो उसे प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहा जाता है। प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहते हैं। तो ये वो हो गया कि एक साल में लाइट ईयर या एक साल में लाइट जो है वो कितनी दूरी तय कर रही है। क्लियर है कहानी? तो इसे हम लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष कहते हैं। साथ ही साथ हम इसके अलावा, है ना, प्रकाश वर्ष मतलब एक साल में, या चाहो तो लिख लो एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी या लाइट द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष, ना, जैसे कुछ सितारे हमसे बहुत दूर है तो कितने दूर है, है ना, तो उसको हम प्रकाश वर्ष चिन्हित करेंगे। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी एक और चीज होती है। एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या हम इसे खगोलिक मात्रक भी कहते हैं। ये खगोलिक मात्रक क्या होता है, या एक एयू कहते हैं बेटा, यू से, ना, एयू से भी चिन्हित करेंगे। ये वास्तव में हमसे सूरज की जो दूरी है उसे हम एक एयू कहते हैं। तो चाहो तो लिख लो, ये वैसे काम नहीं आएगा, ऐसे कोई नीट में नहीं पूछेंगे, लेकिन हमारी जानकारी के लिए हम पता करें। हाँ, ये जरूर पूछ सकते हैं कि ये मात्रक किसका है ना, ऐसा पूछ सकते हैं कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलिक मात्रक किसका मात्रक है, है ना, या किसकी यूनिट है ना। तो ये आप चाहो तो लिख सकते हो कि पृथ्वी और सूरज के मध्य दूरी जो होती है वो एक एयू कहलाती है। इसी के साथ में एक और मात्रक देख सकते हैं, पारसेक होता है, ना, पारसेक। ये 3.6 लाइट ईयर के बराबर, सॉरी 3.2 लाइट ईयर के बराबर एक पारसेक होता है। तो ये बस इतना पता होना चाहिए किसके मात्रक थे। इसी प्रकार से बेटा अगर मैं समय की बात करूं, है ना, तो समय की बात करूं तो समय के भी बहुत सारे प्रायोगिक मात्रक होते हैं। देखो, जो सेकंड है वो ऐसा ही है, इसके अलावा मिनट, एक मिनट हो गया, दो मिनट हो गए, है ना, घंटे हो गए, आवर्स हो गए, या इसके अलावा एक दशक बीत गया, सेंचुरी हो गई, सेंचुरी हो गई, एक दशक बीत गया, तो ये सब क्या है भैया, है ना, ये सब समय के मात्रक है ना, एक दशक हो गया या एक अर्धदशक हो गया, है ना, ये 25वीं साल गिरा, ये सब क्या है, ये सब बोलचाल की भाषा के है, समय के मात्रक है। क्या ये बात सबको समझ में आती है बेटा? इसी प्रकार से एक और मात्रक मैं आपको बता रहा हूं जिसको हम कहते हैं शेक। ठीक है, ये याद रखना, ये भी समय का मात्रक है, ऐसे पूछ सकता है आपसे कि शेक किसका मात्रक है, तो शेक किसका मात्रक है, ये हम बता सकते हैं, ये समय का मात्रक है।
साथ ही साथ है ना समय, फिर उसके बाद में और भी देख सकते हैं जैसे द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के लिए हमको पता है किलोग्राम या केजी जो है वो ऐसा ही मात्रक है। इसके अलावा भी तो हम मानते हैं ना सर, जैसे मेट्रिक टन में कितना भारी है, 100 है ना, मेट्रिक टन मतलब कि 1000 किलो मिलकर एक मेट्रिक टन बनाते हैं, 1000 किलो के बराबर होता है। या क्विंटल सुना होगा आपने, क्विंटल मतलब 100 किलो जो है वो एक क्विंटल के बराबर होंगे। तो ये सब क्या है, ये बोलचाल की भाषा के मात्रक है ना, तो ये हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। या इसके अलावा एक और बता रहा हूं बेटा, चंद्रशेखर है ना, याद रखना आपको चंद्रशेखर यूनिट, चंद्रशेखर मात्रक या चंद्रशेखर यूनिट, ये हमारे ही भारत देश के एक साइंटिस्ट है चंद्रशेखर, उनके नाम पर आधारित है चंद्रशेखर यूनिट, ये भी द्रव्यमान का मात्रक होता है। इसके अलावा भी बेटा से बहुत सारी दिनचर्या की भाषा में, जैसे क्षेत्रफल मापना है तो क्षेत्रफल तो मीटर स्क्वायर में होगा, लेकिन आपने सुना होगा हेक्टेयर में क्षेत्रफल मापा जाता है, एकड़ में मापा जाता है, हेक्टेयर में मापा जाता है, एकड़ में मापा जाता है, ठीक है। उसके साथ ही साथ एकड़ के साथ ही साथ आपने सुना होगा ऐसा बीघा में मापा जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि ये जो भौतिक राशियां है ना, इनके लिए हम कुछ डे टू डे लाइफ में या कुछ बोलचाल की भाषा में जगह के हिसाब से भी कुछ मात्रक होते हैं, है ना। जैसे खेत मापते ना, हेक्टेयर बीघा, ये इनमें काफी होता ही होता है, ठीक है। मीटर स्क्वायर में बहुत कम खेत मापे जाते हैं। देखो बेटा, तो अब ये हमने पढ़ लिया, अब हम देख लेते हैं फटाफट कि मात्रक पद्धतियां क्या होती है। मात्रक पद्धति कहने का मतलब क्या है कि अभी जो मैंने मात्रक पढ़े उसमें और क्या क्या सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो सकते हैं ना। ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स का क्या चक्कर है, काफी आसान सी बात होती है। देखो बेटा, वास्तव में क्या हुआ कि हमारे पास जब यूनिट्स बनने लगे ना, अब क्या हो रहा था, अलग अलग भौतिक राशियां पूरे भारत देश में या पूरे दुनिया में अलग अलग लोग माप रहे थे, तो इन्होंने अपने लिए अपने खुद के सहूलियत के हिसाब से मात्रक की अलग अलग पद्धति बना दी। अब पद्धति में क्या है चक्कर बेटा, हमने पहले ये देखा कि दिनचर्या में तीन चीजें, द्रव्यमान या मास, लंबाई या लेंथ और टाइम या समय का उपयोग बहुत ज्यादा था। तो इसी के आधार पर क्या हुआ बेटा, अलग अलग मात्रक पद्धतियों में चीजें लिखी गई है ना। जैसे सबसे पहले बात करें तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया ना, ब्रिटिश लोगों ने अपनी खुद की पद्धति बनाई, मतलब उन्होंने बोला कि हम आज भी ब्रिटिश में यही होता। पाउंड में और समय को सेकंड में चिन्हित करते हैं, तो इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान व समय मूल राशियां है ना। इसमें केवल तीन ही मूल राशियां है, ऐसे वास्तविकता में कितनी है, एसआई में 7 है, इसने कितनी बोली 3। तीन मूल राशियां है, फुट, पाउंड और सेकंड, ठीक है। इसी प्रकार से गौसियन जो पद्धति होती है बेटा, सी और समय, और इसमें यहां पर जो लंबाई है उसके लिए सेंटीमीटर बोला गया बेटा, लंबाई के लिए सेंटीमीटर बोला गया, द्रव्यमान के लिए ग्राम बोला गया और समय के लिए सेकंड बोला गया। क्या बोला गया, सेकंड, ठीक है। तो इसको हम सीजीएस पद्धति कहते हैं। ये इसके बारे में जैसे हमने पहले भी देखा था कि सीजीएस पद्धति में लिख रहे, एसआई पद्धति में लिख रहे, तो ये क्या है वास्तव में, ये गौसियन पद्धति कहलाता है ना। मतलब कि गौसियन ने ऐसा बोला कि हम तीन पद्धति में, या जो द्रव्यमान, लंबाई और समय, इन्हें ही तीन को मूल, ठीक है, एल मतलब पाउंड, पी मतलब पाउंड और एस मतलब सेकंड। आया समझ में ये? अब इसके अलावा ये तो दो पद्धतियां हुई, दो और पद्धतियां होती है, जिसमें एक और होती है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में भी बेटा तीन को ही मूलभूत राशि माना गया, लंबाई, द्रव्यमान और समय, और इनमें जो मात्रक लिए गए वो m फॉर मीटर,
के फॉर किलोग्राम और एस फॉर सेकंड लिए गए। क्लियर है, छोटी सी बात है ना। तो ये तीन पद्धतियां हमने पढ़ ली यहां पर, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। ठीक है, तो इन तीनों में क्या क्या होता है वो हमने देख लिया। इनमें तीन को ही द्रव्यमान, समय और लंबाई को ही मूलभूत माना गया। फिर उसके हमने चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट आती है, जिसको हमने अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहा, या जिसमें हम मात्रक हमेशा पढ़ते हैं, इसमें वास्तव में कुछ संशोधन किए गए। अब क्या हुआ बेटा, हर पूरी दुनिया में हर कोई अलग अलग चल रहा था, तो इसलिए कमिटी बनाई, साइंटिस्ट लोग साथ में आए पूरी दुनिया के, उनने बोला कि हम यहां पर सात राशियों को मूलभूत राशि मानेंगे ना, और उन्होंने बोला कि हम एक और नई पद्धति बनाएंगे। तो यह पद्धति इन लोगों ने जो बनाई वो एमकेएस पद्धति का ही संशोधन किया, मतलब इसी से ही इन लोगों ने एसआई पद्धति बनाई और बताया कि यहां पर एमकेएस पद्धति का ही संशोधन एवं परिवर्धित किया, और इसलिए परिमेय एमकेएस पद्धति है ना, परिमेय एमकेएस पद्धति भी इसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह इसी से बनी है ना। ये सब वैसे नीट में नहीं आता, लेकिन फिर भी बस जानकारी के लिए हम देख रहे हैं कि यह कैसे बनी, ऐसे ही एमकेएस से बनी। ठीक है, अब एमकेएस में तीन मूलभूत राशियां थी है ना, इसके अतिरिक्त चार मूल और दो पूरक मात्रक भी इसमें शामिल किए गए। पूरक के बारे में हमने पढ़ा, मतलब ये क्या थे भैया, कोण के लिए दो मात्रक भी इसमें शामिल किए गए। तो इसमें कुल कितने हो गए, सात मूलभूत और दो पूरक। तो इस प्रकार से एसआई सिस्टम का निर्माण हुआ, या अंतरराष्ट्रीय पद्धति का निर्माण हुआ। इसके अलावा बेटा, हमको छोटी सी उम्मीद है, आपको ये समझता ही होगा है ना, कि यहाँ पर सर एक मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है ना, इसी प्रकार से एक किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो इस प्रकार से एक सेकंड के बराबर ही होता है। तो इस प्रकार से हम सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति में सामंज्य बिठा सकते हैं है ना, कि सर सीजीएस से एमकेएस और एमकेएस से सीजीएस में कैसे आए, ये बिल्कुल तुच्छ सी बात है। तो ये सारी पद्धतियां भी हमने देख ली, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एसआई पद्धति। अब हम आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, कल की क्लास में हम इन पे और भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दो सवाल दे रहा हूं क्विज के रूप में, पहले इनके जल्दी से जवाब बताओ और फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। पहला सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन सी मात्रक पद्धति केवल द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रकों पर आधारित नहीं है? 10 सेकंड का समय। चलो टाइम अप। एसआई पद्धति इन पर आधारित नहीं है ना, ये एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस। एफपीएस मतलब फुट, पाउंड और सेकंड, ये तीनों केवल द्रव्यमान, लंबाई और समय पर आधारित है। आखिरी सवाल आज की क्लास में, बहुत ही छोटा सा, सीजीएस पद्धति से में घनत्व दिया, आपको एमकेएस पद्धति में बताना है कितना होगा। बहुत ही छोटा सा मोटू सा सवाल, सीजीएस से एमकेएस में परिवर्तित कीजिए। अच्छा, हिंट दे देता हूं, ये सीसी जो है ना बेटा, वो सेंटीमीटर क्यूब होता है, सेंटीमीटर की घात 3। वैसे परिवर्तित कैसे करते हैं इसके बारे में और हम अगली क्लास में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप आसानी से बता भी सकते हो कि ये सीजीएस से एमकेएस में कैसे जाए। ये सवाल करने के लिए इतना जो पढ़ा ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं थी, आसानी से खुद से भी कर सकते हो। चलो हम करके बताते हैं ये कैसे करेंगे। ये लिखा हुआ है सर 0.5 ग्राम बटे में सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें बताना है इससे एमकेएस पद्धति, मतलब कि ग्राम को ले जाना है किलो में, तो 0.5 × 1 किलो में, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम में 1/1000 किलो होंगे। सर आज तो बहुत ही मस्त समझ में आया। हाँ बेटा, आज क्योंकि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं चाहता। बटे में 1 सेंटीमीटर से, अब ये क्या ग्राम किस में आ गया, किलो में आ गया। अब ये जो सेंटीमीटर से, इसे मीटर में बनाना है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो जाएंगे बेटा।
तो यहां पर सर हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर की घात 3 है, तो इसे मैं लिखूंगा 1/100 की घात 3 गुणा मीटर की घात 3, तो केजी प्रति मीटर क्यूब में आ जाएगा, मतलब ये एमकेएस में आ चुका है। इसको हल कर लेते हैं, 0.5, ये देखो 3 जीरो नीचे आ जाएंगे और ये ऊपर चले जाएगा, मतलब 100 की घात 3 ऊपर जा चुका है केजी प्रति मीटर क्यूब। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसे 0.5 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100 बटे में 1000, ये देख सकते हो ऊपर 6 जीरो नीचे 3 जीरो, ऐसा भी कर सकते हो, ड्रॉइंग 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 ड्रॉइंग। तो यहां से सर हो गया, इसे गुणा कर लो, हो गया 500 केजी प्रति मीटर क्यूब। तो इस प्रकार से हम आसानी से सीजीएस से एमकेएस में परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है बेटा, इस पे और भी क्वेश्चन छोटे मोटे हम अगली क्लास में देखने वाले हैं। बेटा आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, हमने भौतिक राशियां देख ली, मात्रक क्या होता है, भौतिक राशियां क्या होती है, वास्तव में किसी भौतिक घटना को व्यक्त करने के लिए भौतिक राशि चाहिए और भौतिक राशि कितनी है, कितनी बड़ी कितनी छोटी है वो बताने के लिए उसके मात्रक चाहिए। फिर मात्रक में हमने देखा अलग अलग प्रकार के मात्रक होते हैं, सबसे पहले हमने किस रूप में देखा कि दिशात्मक के रूप में, भौतिक राशियों को भी दिशात्मक के रूप में देखा था, सदिश और अदिश देखी थी, पहले भौतिक राशियों के बारे में रिवाइज कर लेते हैं, सदिश और अदिश देखी थी। फिर उसके बाद में हमने देखा कि सर सदिश अदिश के अलावा यह किस पर निर्भर कर रही है, उसके आधार पर क्या हो सकता है, मूलभूत हो सकती है और व्यक्तपन हो सकता है ना, इसी के हिसाब से मात्रक जो होता है, मात्रक वास्तव में क्या है, मात्रक वास्तव में गुणज है एक किसी भी परिमाण का, है ना, जो किसी एक भौतिक राशि को परिभाषित कर रहा है। और इसमें भी हमने दो प्रकार देखे, पहले तो देखे हमने सर यह आसान से मूलभूत और व्यक्तपन, और व्यक्तपन में देखने के बाद में हमने दो और देखे कि पूरक क्या होते हैं, जो कोण मापते हैं मात्रक, और उसके अलावा प्रायोगिक मात्रक जो बोलचाल की भाषा में उपयोग होते हैं। फिर उसके बाद में हमने बेटा लास्ट बात देखी मात्रक पद्धतियां क्या होती है, एक एमकेएस पद्धति होती है, पहले एफपीएस देखा, फिर सीजीएस देखा, फिर एमकेएस देखा। इन तीनों पद्धति में केवल 3 ही चीजें होती है, द्रव्यमान, लंबाई और समय। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो स्टार्टिंग से देखते आ रहे थे SI पद्धति, है ना, उसी में हमें सब कुछ लिखना होता है। एमकेएस पद्धति का ही रूपांतरण एक तरीके से SI पद्धति है, जिसमें हमने और ज्यादा भौतिक राशियों को जोड़। तो बेटा आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, होमवर्क हर बार की तरह आपको ऐप में ही मिल जाएगा। कल की क्लास में हम यहाँ पर वर्गीकरण पर और चर्चा करेंगे, इस पर एग्जाम्पल करेंगे, उदाहरण करेंगे, अभी हमने उदाहरण कम करें, एक और उदाहरण करवाऊंगा इसमें और इम्पोर्टेंट बात, फिर विमा पर चर्चा शुरू करेंगे। तो बेटा आज की क्लास के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, थैंक यू।